आज के क्लास में हम पढ़ेंगे स्क्रू ड्राइवर अर्थात पेचकस। जिस प्रकार नट या बोल्ट को खोलने कसने के लिए रिंच का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार स्क्रू पेच को खोलने और कसने के लिए स्क्रू ड्राइवर अर्थात पेचकस का प्रयोग किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के पेच को खोलने के लिए विभिन्न प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार स्क्रू ड्राइवर का जो मटेरियल होता है वह हाई कार्बन स्टील या अलॉय स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, पार्ट्स में क्या क्या होता है। स्क्रू ड्राइवर में मुख्य रूप से तीन पार्ट्स होते हैं, हैंडल, शैंक और ब्लेड। एक रॉड के एक सिरे पर हैंडल को लगा दिया जाता है और बीच वाला भाग शैंक हो जाता है, और जिस भाग से स्क्रू पेंच को खोला या कसा जाता है उसे हम ब्लेड या टिप के नाम से जानते हैं। टिप भी कहते हैं, TIP टिप, या ब्लेड भी कह सकते हैं, जो कि अलग अलग डिजाइनों में बना होता है। इस प्रकार अलग अलग टाइप के स्क्रू ड्राइवर वर्कशॉप में प्रयोग किए जाते हैं, जो कि निम्नलिखित है। पहला है स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। यह एक प्रकार का साधारण स्क्रू ड्राइवर होता है जिसका शैंक गोल होता है और आगे वाले भाग को फ्लैट कर दिया जाता है। वह फ्लैट भाग स्क्रू पेच के हेड में फिट करके घुमाया जाता है और स्क्रू पेच को खोला या कसा जाता है। तो इस प्रकार स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर जो है यह साधारण कार्यों में प्रयोग होता है वर्कशॉप में। नंबर दो है हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, भारी कार्यों के लिए, अर्थात जहां पर अधिक मजबूती में स्क्रू पेच को टाइट करना है वहां पर हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर प्रयोग में लाया जाता है। इसका शैंक चकोर होता है, गोल नहीं होता है। शैंक जो है चकोर होता है और अगला भाग फ्लैट होता है, जिसके द्वारा अधिक मजबूती के साथ किसी भी पेंच को टाइट किया जा सकता है। वह है आपका हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। नंबर तीन है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का शैंक गोल होता है और अगला भाग जिसको टिप के नाम से जानते हैं वह चार फ्लूट सामने से कटा होता है प्लस के निशान में। इस प्रकार फ्लूट इस पर बना होता है। किसी किसी पेच में, जैसे कि फिलिप्स हेड वाला स्क्रू पेच है, उसमें हम फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं जिसमें चार फ्लूट बने होते हैं जो कि स्क्रू पेच को पकड़ता है और उस पेच को खोलता या टाइट करता है। इस प्रकार आपका फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर हो गया है। नंबर चार है रैचेट स्क्रू ड्राइवर। इसमें एक मैकेनिज्म काम करता है। इसके हैंडल में एक शिफ्टर लगा होता है। शिफ्टर को जब हम दबाते हैं तो वह बाईं तरफ ऑटोमेटिक मूव करता है, घूमता है, अर्थात पेचकस को खोलने के लिए हैंडल को घुमाने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ शिफ्टर को दबाते हैं तो वह बाईं तरफ घूमता है और उसी शिफ्टर को फिर दोबारा दबाते हैं तो वह दाईं तरफ घूमता है। इस प्रकार कार्य के अनुसार शिफ्टर का प्रयोग करके किसी भी स्क्रू पेंच को अति शीघ्रता से खोला या कसा जा सकता है। तो इसमें एक मैकेनिज्म काम करता है जो कि इलेक्ट्रिक पर भी चलता है और सेल पर भी काम करता है। नंबर पांच है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर एक साधारण फ्लैट को दोनों तरफ 90 डिग्री के कोण में मोड़ करके बनाया जाता है, जो कि बड़े बड़े स्क्रू पेंच जो प्लास्टिक के बने होते हैं या धातु के बने होते हैं उसमें फंसा करके उसे खोला या कसा जा सकता है। इस प्रकार आपका जो पांच जो है यह साधारण फिटर वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। इसका साइज किसी भी स्क्रू ड्राइवर का साइज होता है, उसे हम शैंक की लंबाई और ब्लेड की चौड़ाई से लेते हैं।
जैसे सैंक हो गया आपका 150 मिलीमीटर लंबा और ब्लेड की चौड़ाई हो जाएगा आपका 5 मिलीमीटर, इस प्रकार 150 × 5 मिलीमीटर का जो ब्लेड होगा, जो स्क्रू पेंच होगा, उसके द्वारा हम खोलिया कर सकते हैं। इस प्रकार आपका जो है स्क्रू ड्राइवर कार्य करता है। चलिए।